फ्रेंड्स, दिस इज मुकेश फ्रॉम लर्निंग टेक्नोलॉजी और आज मैं आपको बताऊंगा रिटेनिंग वॉल का वॉल्यूम कैलकुलेशन कैसे करते हैं। ठीक है, तो ये है रिटेनिंग वॉल, ये है मेरा बेस स्लैब जो आप पिंक कलर में देख रहे हो, ये है बेस स्लैब, उसके ऊपर ये वॉल खड़ा है, इसको स्टेम बोलते हैं। वैसे मैं कुछ आपको टर्मिनोलॉजी समझा दूँ तो जल्दी से मैं एक ये कर देता हूँ, एक ड्राइंग बनाकर बता देता हूँ इसके पार्ट्स कैसे होते हैं। सपोज ये बेस है और इसके ऊपर ये वॉल है, इसे बोलते हैं रिटेनिंग वॉल। ठीक है, तो इसे का कुछ टर्म्स है, वो टर्म्स मैं समझा दूँ, ये चीज़ क्या है मैं बता दूंगा। यहाँ पे एक बॉक्स टाइप का रहता है और ये हुआ मेरा ग्राउंड लेवल। ठीक है, ये सैंड है, क्लिफ नहीं, सैंड भी नहीं, और इस साइड में इधर मेरा ये ग्राउंड का लेवल। ठीक है, तो चलो इस पार्ट को बोलते हैं, ये हुआ, ये हुआ, इस दोनों को ही हम लोग बोलेंगे स्टेम। ठीक है, टेक्निकल टर्म में स्टेम बोलते हैं। नीचे वाले को कहा जाता है बेस स्लैब, बेस स्लैब फुटिंग बोल सकते हैं आप। ठीक है, ये है मेरा शियर की। ठीक है, ये है मेरा क्या, शियर की, बॉन्डिंग के लिए इसको दिया जाता है ताकि बेस स्लैब के साथ जब ये पार्ट मेरा कास्टिंग हो, ये पार्ट, तो सपोज ये पार्ट वन है, ये पार्ट टू है, तो पार्ट वन जब कास्टिंग होगा तो ये शियर की के हेल्प से इसके संग वो कांटेक्ट में रहेगा। ठीक है, बेस स्लैब के साथ, तो ये एक शियर की देते हैं। ये क्या है मेरा, ये है मेरा कंस्ट्रक्शन जॉइंट, ये है मेरा कंस्ट्रक्शन जॉइंट। ठीक है, तो नॉर्मल एक ये है, मैं बता दिया बेसिक क्या था ये। ठीक है, तो ये है मेरा रिटेनिंग वॉल जनरल टाइप में, तो मैं आज बताऊंगा इसका वॉल्यूम कैलकुलेशन कैसे करते स्टार्ट करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्राइब करने के लिए यूट्यूब ऐप पे जाइए, सर्च बार में लर्निंग टेक्नोलॉजी टाइप कीजिए, सबसे ऊपर जो चैनल आएगा वो मेरा ही चैनल है लर्निंग टेक्नोलॉजी, उस पर क्लिक कीजिए। सब्सक्राइब रेड बटन में यहाँ पे सब्सक्राइब दिख रहा है, सब्सक्राइब इस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिए। और हाँ, घंटा बजाना ना भूलें, इससे क्या होगा कि मेरे लेटेस्ट अपडेट्स जो भी आएंगे वो आपको हर वक्त टाइम पे मिल जाएंगे। ठीक है, तो देख लो ये मेरा एक रिटेनिंग वॉल है, इसका बेस स्लैब जो है वो देखो 20 मीटर लंबा इधर, 2 मीटर लंबा इधर, और इसका थिकनेस कितना है, 200 mm। ठीक है, 20 मीटर बाई 2 मीटर बाई 200 mm, और इसके ऊपर जो वॉल खड़ा है मतलब जो स्टेम है, वो स्टेम कितना लंबा है देखो, 5 मीटर लंबा है, 5 मीटर लॉन्ग। अब देखिए साइड में, देखिए ये रेक्टेंगल टाइप का नहीं है। ठीक है, साइड से अगर देखेंगे ये ट्रेपेजॉइडल टाइप का होता है, ट्रेपेजॉइडल टाइप का होता है मतलब नीचे का जो विथ होगा वो ज्यादा है या कम है, जो भी हो सकता है, और ऊपर का जो है वो कम है, मतलब दोनों डिफरेंट होगा विथ जो होगा। तो नीचे वाला जो है वो कितना, यहाँ मैं पकड़ रहा हूँ 500 mm, और ऊपर वाला मैं पकड़ रहा हूँ 200 mm। तो इसका जो वॉल्यूम कैलकुलेशन है वो कैसे करते हैं आज मैं आपको बताऊंगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं ये टाइप वन इसलिए मैं लिखा हूँ इसको, कि मैं एक और टाइप दिखाने वाला हूँ, इससे थोड़ा टिपिकल रहेगा वो, क्रिटिकल रहेगा वो, मैं वो था क्रिटिकल रहेगा वो, मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट वाले वीडियो में। ठीक है, तो इस वीडियो को चलो देख लेते हैं इसका कैलकुलेशन कैसे होगा। सबसे पहली बात, मैं एक चीज क्या करता हूँ, इस पार्ट को मैं ए पकड़ लेता हूँ और इस पार्ट को बी पकड़ लेता हूँ, मतलब ये टोटल टोटल स्टेम को मैं बी पकड़ रहा हूँ और टोटल बेस स्लैब को मैं ए पकड़ रहा हूँ। ठीक है, तो चलो, तो वॉल्यूम ऑफ रिटेनिंग वॉल क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ रिटेनिंग वॉल क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ ए प्लस वॉल्यूम ऑफ बी। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ ए प्लस वॉल्यूम ऑफ बी। ठीक है, दोनों का वॉल्यूम निकल कर ऐड कर देंगे तो टोटल का वॉल्यूम निकल जाएगा। तो वॉल्यूम ऑफ ए निकालना बहुत आसान है, वॉल्यूम ऑफ ए तो ये बहुत आसान है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट कर देंगे। लेंथ कितना है यहाँ पे,
20 मीटर, 20 इंटू ब्रेथ कितना है मेरा 2 मीटर, और हाइट कितना है 200 मिलीमीटर। 200 मिलीमीटर को अगर मीटर में मैं लिखूंगा, मैं सब यहाँ पे कैलकुलेशन मीटर में कर रहा हूँ, ठीक है। तो इसको अगर मैं लिखूंगा तो 0.2 मीटर आएगा ये, तो 0.2 कर देंगे। तो चलो इसको अगर मैं कैलकुलेट करूँगा तो ये आंसर क्या देगा, तो इसे मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो ये आंसर देगा 8 m³, ठीक है। तो ये मेरा वॉल्यूम ऑफ ए निकल गया। वॉल्यूम ऑफ बी, वॉल्यूम ऑफ बी ही थोड़ा सा ये है, वो फॉर्मूला बेस्ड हो जाएगा थोड़ा। तो वॉल्यूम ऑफ बी क्या होगा, एक्चुअली वॉल्यूम ऑफ बी पता है क्या है, यहाँ पे ट्रेपेजॉइडल है। ट्रेपेजॉइडल बोलने का मतलब क्या है, देखो थोड़ा सा। एक्चुअली ये पार्ट ऐसे है, इस पार्ट और ये पार्ट तो ऐसे गया है ना, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इस पार्ट का सरफेस एरिया निकालेंगे, ठीक है। इस पार्ट का सरफेस एरिया अगर मैं निकाल दूं, और ये कितना लंबा है, लेंथ अगर मल्टीप्लाई कर दूं तो वॉल्यूम निकल जाएगा। मतलब मैं क्या करूंगा, मैं ये पार्ट का एरिया निकालूंगा जस्ट, ठीक है। इस पार्ट का एरिया निकाल के ये जितना लंबा है, ये कितना लंबा है 20 मीटर लंबा है, उससे मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये निकल जाएगा टोटल वॉल्यूम मेरा, ठीक है। तो मैं पहले सरफेस एरिया निकालूंगा। तो सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या है, ट्रेपेजॉइडल का, ए प्लस बी बाई 2 इंटू हाइट, ठीक है, इंटू लेंथ कर देंगे तो वॉल्यूम हो जाएगा। अब चलो ए क्या है, बी क्या है, ए क्या है टॉप या बॉटम, कोई भी आप ले लो, मतलब एक ऊपर वाला है और एक नीचे वाला। तो ऊपर वाले में यहाँ पे देखो कितना है, अगर ए को मैं ऊपर वाला मान लूँ तो कितना है ये वाला 200 mm, तो मैं मीटर में डालूंगा 0.2, प्लस बॉटम वाला कितना है 500 mm, तो 0.5 by 2 into height। हाइट कितना है रिटेनिंग वॉल का, देखो 5 मीटर, ठीक है, इंटू 5 into length, ये कितना मीटर लंबा है 20 मीटर लंबा है, तो into 20। तो इससे अगर हम कैलकुलेट अगर करेंगे तो ये जो आंसर देगा वो देगा 35 m³। तो टोटल वॉल्यूम क्या हो जाएगा, टोटल वॉल्यूम मेरा हो जाएगा 8 + 35, कितना होगा 43 m³। तो बस यही था इसका वॉल्यूम कैलकुलेशन कैसे निकलना है। तो देखो इस वीडियो को, और कुछ डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में बताओ, मैं नेक्स्ट वीडियो में फिर से क्लियर करूँगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं थोड़ा सा क्रिटिकल टाइप का रिटेनिंग वॉल का वॉल्यूम निकालना आपको बताऊँगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो चलो आज का वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में फिर कुछ नया लेके आऊँगा। चलो बाय, टाटा, टेक केयर।